ही खुशियों का दिन है और इतनी खुशी है कि उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हमारे जितने भी लाल किताब के मित्र हैं, जो भी प्रेमी हैं, और ये उस परवरदिगार मालक की कृपा से हमारे संत बाबा महेंद्र सिंह गौतम जी पंडित जी के जो दोहिता हैं, पंडित जतिंदर शर्मा जी और सभी लोगों के पूरे फरवाला गांव वालों के सहयोग से आज 24 तारीख को भाई पंडित जी का जो है बरसी है। आज पंडित जी की पुण्यतिथि, और उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज सभी लाल किताब प्रेमियों ने मिलकर जो है पंडित जी की बरसी मनाई है, और उसके बारे में हमें जो है जानकारी हमारे गौतम जी हमें दे रहे हैं, और साथ में संत बाबा महेंद्र सिंह जी भी हैं, सभी लाल किताब प्रेमी हैं। तो मैं जानना चाहूंगा गौतम जी से, गौतम जी बताएं कि ये किस तरह का जो है आयोजन किया गया है, और इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दें आप। आयोजन हाँ जी आप हमें ये बताएं कि ये जो प्रोग्राम है, जी बिल्कुल आपने इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दें, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। हमें तो पहले कोई जानकारी थी नहीं, इतना पता था ये पंडित जी की आज पुण्यतिथि है। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर लंगर का इंतजाम कर रखा था अपने लाल किताब, अभी बहुत सारे आदमी इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पंडित जी का परिवार आप बहुत ज्यादा मेहनत करके ये लोगों में मतलब बहुत ज्यादा मतलब लोगों में मतलब गांव के लोगों में प्रचलित हो गया भाई, ये बहुत अच्छे आदमी है। तो ये पंडित जी की कृपा ही है आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर। जी, बस ये आपका आशीर्वाद है पंडित जी। इसके साथ ही संत बाबा महेंद्र सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट हाँ करूंगा, जी कृपया सर, वो भी अपने 2 शब्द कहें, और अमृतपाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका अमृतपाल सिंह जी, अब आप 2 शब्द आप भी जरूर हाँ जी हाँ कहिए। जी बहुत आप आज अच्छा लग रहा है जी जी यहाँ आके, तो क्योंकि पंडित जी से तो हम बचपन से ही मिले हुए हैं, बैठते जी रहे हैं उनके पास, हमारे घर के पास वो ट्रैक्टर ठीक करवाने के लिए आते थे वर्कशॉप में, तो वहां बैठते थे हम। मगर हमने जितनी देर वो जिंदा रहे हमने फायदा नहीं लिया, उनके जाने के बाद हमें होश आया कि ये वही चीजें बात, करनी चाहिए, और वो हमने की। तो आपको मालूम ही, आप हमारे घर पे आए थे, मेरे ऑफिस में बैठे, तो जी आज गोपाल जी ने बोला कि पंडित जी की पुण्यतिथि पे लंगर लगा रहे हैं, तो मेरे जी साथ ये मैंने आपको एक बार जिक्र किया था, मेरे दोस्त हैं पीडी धीमान, धीमान जी इंडस्ट्री नकोदर, जी वहां से इनको भी जी शौक है, ये भी पढ़ते रहते हैं बुक्स और जी हम डिस्कस करते रहते हैं आपस में, तो आपका जी चक्कर नहीं लगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी जो वहां पर उपस्थिति है हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपने आप को भी यहीं पर जी हाँ महसूस जी कर रहा हूं, मैं अपने आप को और आप लोगों के जो जी है ये हम तो पहले ही गोपाल जी से पूछ रहे थे चलो एक बार बहुत बाबा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे एक बार मैं आपने बाबा गोपाल जी से खुलेआम भी शामिल हो कहूंगा गए कि आप भी। बाबा गोपाल जी भी अपना आशीर्वाद एक हाँ बार जी दें, क्योंकि ये संतों की कृपा से हुआ है। संत जो होते हैं वो सबके एक जैसे होते हैं, और ये संत बाबा महेंद्र सिंह जी का बहुत ही बड़ा योगदान है इस जो है आयोजन करने में। तो बाबा जी एक बार आप अपने 2 शब्द पंडित जी के लिए और इसके बारे में बताएं आप हमें। बाजी सेवक को सेवा बन आई, ये पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो आशीर्वाद दिता पुरना बनाया, जी मैनु उस काबल समझिया, आप ही उन्होंने सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के कार्ज करवाया। उन्हां दी 78वीं बरसी सी, जो कि अज आशीर्वाद दे नाल सारे ज्योतिषी वीर उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल इकट्ठे हुए ने। पर पुरना नहीं सी कि इकला ही करदा, पर पंडित जी कहिंदे सारे नूं विच लै के ही करवावांगा। ये पंडित जी का आशीर्वाद है जी, ते आप जी का आशीर्वाद जो सानू सिक्ख्या दी, तुसी भी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है बाबा जी, ये हमारे संत बाबा महेंद्र सिंह जी थे। संतों की महिमा जो है वो कभी बयान नहीं की जा सकती, और इनके ही एक बहुत ही भागीरथी प्रयास से जो है ये आयोजन हुआ है आज पंडित जी के गांव में, और हमारे सभी की, आप जितने भी दर्शक हैं सभी की तरफ से इस पंडित जी के पुण्यतिथि पर हम पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर आज भंडारे का भी आयोजन किया गया है, सुबह चाय नाश्ते का लंगर था,
और पूरा परिवार जी का पंडित इकट्ठा हुआ है, बाकी सभी श्रद्धालु लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे गौतम जी हैं जो थोड़ा सा हमें दर्शन करवाएंगे, क्या किस तरह का डेरा है और किस तरह का आयोजन है उसके बारे में हम गौतम जी के पास चलते हैं। गौतम जी हमें थोड़ा सा दर्शन करवाएं कि ये आयोजन किस तरह का है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें आप दिखाएं, दर्शक देखना चाहते हैं। ये धूना साहब जी, पंडित जी दस बड़े यहाँ पे पूजा की गई है। नजुमी जी सुन रहे हैं? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, तुसी बोलो, मैं सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। आज सभी ने मिलके यहाँ पे पंडित जी के ऊपर कुछ पुष्पांजलि प्रकट करी, यहाँ पे उनकी बरसी पर पंडित जी के परिवार वालों और सब ने मिलके यहाँ पे साहब जी मंदिर पंडित जी दे जो बाबा बसाऊ जी सी ओना दा जिथे अंतिम समा बतीत किया उन्होंने उन्होंने स्थान दे दर्शन कर रहे हैं। आ बाबा बसाऊ जी दा स्थान हाँ सारिया समाधियां जी इस पिपल दे थले बाबा बसाऊ जी बैठते सी जो पुरातन जगह ये सब संगत आई हुई है यहाँ पे लंगर भंडारे का ये प्रसाद चल रहा है यहाँ पे ये डेरा है वो जहाँ पे पंडित जी आया करते थे सुबह हर सुबह और संगत बैठ के यहाँ पे हाँ जी गौतम जी, आप जी ने आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया और हमें भी बहुत खुशी हो रही है, हमारे दर्शकों को बहुत खुशी हो रही है। और ये पहली बार आपने भागीरथ प्रयास किया है, आप सभी लाल किताब प्रेमियों ने, हम इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवादी हैं। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा ये डेरा वही था जहां पर जी अब दो शब्द आप कहना चाहते थे। उम्मीद है अगले साल आप भी यहीं पे साथ होंगे। बिल्कुल जी, हम अभी भी आपके साथ हैं। उम्मीद है मेरी आत्मा जो है वो वहीं पर है, आपके पास ही, अगर आप महसूस कर सकते हैं तो आप जरूर करें, आपके वहीं पर मैं शरीर के रूप पे यहाँ हूँ पर मेरी आत्मा जो है वो डेरे में ही अभी भी। और आप लोगों का जो प्रेम है वो मेरे सदा ही साथ है, सभी दर्शकों के साथ है। और इस लाल किताब की जगत में आप सभी लोगों के, संत बाबा महेंद्र सिंह जी, गौतम जी और जितने भी लाल किताब प्रेमी हैं, पंडित जी के जो दोता साहब हैं, इन सभी के जो प्रयास को जो है ये बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और बहुत ही सुंदर इन्होंने प्रयास किया है। और जितनी बधाई दें उसके लिए कम है। और इस पुण्यतिथि पर हमारी तरफ से भी पंडित जी को श्रद्धांजलि है इस। और मैं दर्शकों को यह कहना चाहूंगा जो ये डेरा है, ये डेरा वही है जहाँ पर स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी रोज जाया करते थे। और ये जो डेरे का जो इतिहास है, ये डेरा जो है बाबा श्री चंद्र जी का डेरा है। बाबा श्री चंद्र जी जो है
वो एक तरह से नाथ संप्रदाय, जैसे कि गुरु गोरखनाथ हैं उनके वैसा ही नाथ संप्रदाय के जैसा ही श्री चंद्र जी का संप्रदाय है। और बाबा श्री चंद्र जी गुरु नानक देव जी के सपुत्र थे और रुद्र अवतार शिव जी के अवतारों में जो है रुद्र अवतार के जैसे ही माना जाता है। अभी आपने डेरे के दर्शन किए, डेरे में आपको जो एक भैरव की भी आपको मूर्ति लगी, जिसे कि हम एक केतु की, जिसे केतु ग्रह कहते हैं, अगर गौतम जी ने देखी होगी तो एक कुत्ते की जो है, भैरव की जो है एक फोटो लगी वहां पे, मूर्ति बनी हुई है। जी जी जी, तो ये जो भैरव है ये भैरव का ही रूप, और ये पूरी भोलेनाथ की जो कृपा है, जिस तरह से यज्ञ हवन होते हैं वैसे ही धूना साहब है। ये देखिए आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो है भैरव की जो है यहाँ पर ये उसके उसी की प्रतिमा है। असल जो भैरव की जो फोटो है ना, मूर्ति है, वो यही है केतु रूप में जो है। जब भी आप सबसे ज्यादा हम लोग सेवा करवाते हैं केतु की सेवा करवाते हैं, कुत्ते की सेवा करवाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारा माहौल जो है पूरा धार्मिक माहौल है, भक्तिमय माहौल है, और उसी को ही मुख्य रखकर सा जो लंगर भंडारा का आयोजन, और ये लंगर भंडारा खुद पंडित जी भी करवाते थे इस डेरे में। पंडित जी जब तक इस लंगर में बैठते नहीं थे तब तक लंगर की शुरुआत नहीं होती थी, जैसा कि मैं पिछली बार भी वहां से जानकर आया था। तो इस डेरे के साथ पंडित जी की बहुत ही जो है दिल से लगाव था, और ये डेरा पंडित जी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से पंडित जी को गैबी शक्तियाँ मिली, इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में जिक्र करेंगे। आज का जो प्रोग्राम था वो यहीं तक था। तो श्री गौतम जी आप यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, और आपके माध्यम से बाबा संत महेंद्र सिंह जी के माध्यम से यह सारा प्रोग्राम हुआ, बहुत ही खुशी का जो है माहौल है। तो और गौतम जी एक बार पंडित जी के, ठीक है जी, बढ़िया जी, ठीक है, और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? शब्द तो बहुत कम पड़ रहे हैं। एक बार आप सभी लोग हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, हमें कुछ संदेश देना चाहेंगे, तो एक बार आप सभी मुझे दें संदेश दर्शकों के लिए। बाजी सर जी आप अपना आशीर्वाद बनाकर रखो। पंडित जी का जो नाम है तो वर्ल्ड फेमस है ही है, पर जो इस ग्रंथ का इतना का सत्कार हो, बस मेरे मन में यही इच्छा है जी। कि सारे एस्ट्रोलॉजर छिपाए ना, जैसे पंडित जी ने लिखा कर भला हो भला आखिर भले का भला, छिपाण की चीज नहीं, दिखाने की चीज आ, सिखाने की चीज आ, सिखी सिखिया गुर विचार, जिन्नी वंडांगे उन्नी वधी जाएगी साडी सिक्खी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस नीरज जी यही इच्छा है कि जो शुरुआत हुई है ना जी, ये शुरुआत हो और हर साल आगे से आगे हम लोग बढ़ते ही जाए यहाँ पे। ठीक है जी, बिल्कुल, ये आप लोगों ने शुरुआत की है, भागीरथ प्रयास किया है, और इसके लिए ये सब पंडित जी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हुआ। और आप लोगों का जो भागीरथ प्रयास था उसके लिए आप सभी जितने भी यहाँ मौजूद हैं बधाई के पात्र हैं। ठीक है, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह से हर साल 24 दिसंबर को पंडित जी के नाम से जो है जो भी प्रोग्राम है, पहले सब अलग अलग करते थे, हमारी कोशिश होगी कि हम सभी इसी प्रकार से मिलकर जो है पंडित जी को श्रद्धांजलि उनके गांव में जाकर अर्पित कर सकें। और ये हमारे लिए जरूरी भी है, लाल किताब के नाम से लोगों ने करोड़ों रुपये कमा लिए, लेकिन आज जो बड़े बड़े लोग थे वो यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा उनमें से। हमारे जो मित्र हैं, हम कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, हम बहुत ही साधारण से आप लोगों में से एक हैं, और उनमें से हमारे गौतम जी हैं, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र हैं, और भी जितने भी हैं ये सभी बिल्कुल ही एक आम एस्ट्रोलॉजर्स हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, सिर्फ पंडित जी के प्रेमी हैं, लाल किताब के प्रेमी हैं, उन्होंने अपने प्रेम के खातिर यहाँ पर आए हैं। तो जो हम जितने भी लोग हैं आगे से हम ऐसे ही पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है। तो ठीक है, इतने शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे फिर किसी दिन अन्य बातों पर, इस डेरे के बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, बात दुनिया मालो जहां, बढ़ते रहो, मदद मालक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। दीदी निशा गुप्ता जी, नेकी खुद करते रहो। दीदी निशा गुप्ता जी भी, हाँ, हमारी एक दिल्ली की बहन है निशा गुप्ता जी, उनका भी बहुत ही सहयोग रहा इस प्रोग्राम में।
इसके साथ ही बाकी जितने भी हैं, शरद कुमार गुप्ता जी हैं, हमारी कविता बहन है, और दीदी, बिल्कुल दीदी आप भी बिल्कुल हमारे अभी प्रोग्राम पे हैं, दो शब्द आप भी हमें इसके लिए आशीर्वाद दें। आप हमारी बड़ी बहन है, आपका आशीर्वाद हमारे बहुत जरूरी है। ठीक है दीदी, ठीक है, इसको यहीं पर प्रोग्राम को खत्म करते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।